आज हम लोग देखते हैं कि भारत की सेना सम्मान और संप्रभुता में और उसकी रक्षा में यह डिवीजन लगातार प्रतिबद्ध है और ऐसे इस डिवीजन में ये जो त्रिशूल वॉर मेमोरियल हो रहा है, ये म्यूजियम हो रहा है, इससे जुड़ने का अवसर महाराष्ट्र को मिला, महाराष्ट्र की सरकार को मिला, इससे बड़ा सौभाग्य दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। मैं इसके लिए त्रिशूल डिवीजन को तो धन्यवाद दूंगा ही, पर साथ साथ आभार व्यक्त करूंगा हमारे साथी श्रीकांत भारतीय जी का, जिन्होंने एक दूत के रूप में त्रिशूल डिवीजन और महाराष्ट्र सरकार को साथ में लाया और ये प्रस्ताव हमने हमारे मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी के सामने जब रखा तो उन्होंने तुरंत ये कहा कि इससे बड़ा सौभाग्य कोई हो ही नहीं सकता और सरकार ने तुरंत इसको मान्यता दी और आज हम लोगों ने इसका शिलान्यास भी यहां पर किया है। इसकी रचना भी बहुत सुंदर है, त्रिशूल की तरह इसकी रचना है और मेरा विश्वास है कि यहां आने के बाद जहां एक और हमारे शहीदों को नमन करके उनसे हम ऊर्जा पाएंगे, वही हमारे त्रिशूल डिवीजन के माध्यम से जो कार्य चलते हैं, जिस प्रकार का शौर्य दिखाया जाता है, जिस प्रकार के ऑपरेशंस किए जाते हैं या किए गए हैं, उसमें इस्तेमाल की हुई जो सामग्री है, सिविलियंस के लिए एक बहुत ही उत्कंठा का विषय होता है कि किस प्रकार से हमारी सेना काम करती है। और मैं मानता हूं कि इस म्यूजियम के माध्यम से वो सारी चीजें हमारी सेना की सिविलियंस के पास, हम लोगों के पास पहुंचेगी। और विशेष रूप से चूंकि मनाली के हाईवे पर यह है तो मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूप में भी ये डेवलप होगा और लोग निश्चित रूप से यहां पर आकर प्रेरणा पाएंगे।